निजाम की बात करें जरा, उसके आपने चेस बोर्ड की बात की, बड़े प्लेयर्स हैं, तो मैं जब ये सारा हुआ डीजी एसपीआर साहब से बात हुई, तो पिछले दो दिनों में खबरें ये चल रही थी कि हुकूमत और उनके दरमियान, फौज के दरमियान शायद कोई इख्तलाफ है। सो उसकी वजह से जरा दो बड़ी बहुत सारी रूमर चल रही थी। जब पता चला कि ये रूमर शुरू हुए, ये अफवाहें शुरू हुई कि क्या वाकई इख्तलाफ है हुकूमत और फौज के दरमियान, तो डीजी एसपीआर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने उनका जरा उन्होंने क्योंकि मुझे बात कही, तो मैं जरा उनको कोट करके ये बात कर रहा हूं कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि शायद किसी अमूर पर, किसी भी रियासती अमूर पर कोई इख्तलाफ है हुकूमत के दरमियान या इतफाक राय का फुकदान है। उन्होंने ये भी कहा कि जो तवील दौरानिये से मुलाकातों का सिलसिला नहीं हो रहा था, ये भी खबर थी कि इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने कहा ये सारी बातों को भी उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने कहा ये मुलाकातें हो रही हैं, हर मुलाकात मीडिया में आकर रिपोर्ट नहीं होती वो एक अलहदा बात है, लेकिन मुलाकातें होती हैं, और पिछले दिनों चार पांच दिन पहले जो मुलाकात हुई उसको रिपोर्ट भी किया गया। हिमायत कर रहे हैं, ये भी डीजी एसपीआर का कहना था कि हिमायत कर रहे हैं इस वफाक की जमहूरी हुकूमत की, जो आईन के मुताबिक हमारी जिम्मेदारी है, और इसमें किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा सकती। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जरूरी है, वजीर आजम और आर्मी चीफ दोनों मुसलसल रास्ते में हैं, जब भी जरूरत होती है मुलाकातें होती हैं, बाज जैसे मैंने पहले बताया कि हर इजलास मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता, जो पिछले दिनों में दो मुलाकातें टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई वो रिपोर्ट कर दी गई थी। सो अगर ये जो रूमर है, कम अज कम ये मौकफ ऑफिशियल फौजी मौकफ है कि हम इस जमहूरी हुकूमत की मुकम्मल तौर पर हिमायत करें।